नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 3 यमलोक में पार्टी के आगे का दृश्य पढ़ते हैं। हमने 3 दृश्यों को पढ़ा था। इन तीनों दृश्यों में हमें यमलोक के अंदर एक पार्टी का दृश्य दिखाया गया था और उस पार्टी में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता यहाँ तक कि दैत्य भी शामिल हुए थे और वहां पर उन लोगों की जो स्थिति होती है उसी के बारे में इन तीनों दृश्यों में वर्णन किया गया था। तीसरे दृश्य में यह बताया गया था कि किस प्रकार पृथ्वी लोक से जो भोज्य पदार्थ है वो पार्टी में प्रयोग किए गए थे और उनको खाकर लोग बीमार पड़ गए थे। तो इस नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? इस नाटक का मूल उद्देश्य यह बताना है कि आज खाद्य पदार्थों में कितनी मिलावट हो रही है और उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंच रहा है और उसके लिए व्यक्ति को सजग करना और ये मिलावट की जो कार्य है उसको बंद करने का ही इस नाटक का मूल उद्देश्य है। आगे देखिए, चौथा दृश्य हम पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी और यमराज विराजमान हैं। नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं। अब वहां पार्टी में लोगों की स्थिति खराब हो जाती है तो वहां पर ब्रह्मा जी है वो देवताओं में सबसे वृद्ध होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो ब्रह्मा जी है वो नारद की अध्यक्षता में एक जांच दल का आयोजन करते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी और यमराज जी विराजमान है और नारद जी अपने जांच दल के साथ आते हैं। साथ में एक खाद्य अधिकारी और डॉक्टर भी है। नारद: नारायण नारायण, परमपिता और यमराज की जय हो। यहाँ पर परमपिता कौन है? ब्रह्मा जी। और यमराज की जय हो। रिपोर्ट की कॉपी लेकर पढ़ते हैं। अब दांत अधिकारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको लेकर वो पढ़ते हैं। आज इस सदन के प्रश्न काल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। महाराज, रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तथ्य सामने आए हैं मतलब कई सी बातें हमारे सामने आई है जो हमें चौंकाने वाली है। मृत्यु लोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। मृत्यु लोक किसको कहा गया? पृथ्वी को। कि पृथ्वी में जो रसायन है, जो कीटनाशक है, जो रसायन है जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका उपयोग अन्न उगाने से ही शुरू हो जाता है। आज हम देखते हैं कि फसलें जब उगाई जाती है तो उसमें रासायनिक पदार्थ छिड़के जाते हैं। तब छिड़कने से लेकर जब अन्न जल्दी तैयार मतलब जन अन्न जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए उसके लिए फिर रासायनिक पदार्थ छिड़के जाते हैं। उसके बाद में उन खाद्य सामग्रियों को अधिक लंबे समय तक चलाने के लिए फिर उनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो हर तरीके से हम रासायनिक पदार्थों को हमारे शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं। दूध, घी, खोया, ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जा रहे हैं। कृत्रिम स्वाद जोरों पर है। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। बनावटी जो स्वाद है वो जोरों पर है, अर्थात हम प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों का सही उपयोग न करके उसमें अपने स्वादानुसार मसाले और रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट पर पूरा किया जा रहा है। विज्ञापन का जो खर्च है, जैसे बड़े बड़े खाद्य पदार्थों के ऐड दिए जाते हैं, उनका जो खर्चा है वह भी खाद्य पदार्थों में मिलावट डालकर उसको पूरा कर रहे हैं। अनाप शनाप तरीके से जनता जनार्दन मिलावटी खाद्य पदार्थों को मुंह में ठूसे जा रही है। गलत तरीकों से जनता लोग है वो खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रही है। बड़े बड़े जो अधिकारी है वह भी इस मामले में उनके साथ में मिले हुए हैं और इस प्रकार से निरीह जनता के मुंह में ये खाद्य पदार्थ है वो जा रहा है और उनकी मृत्यु भी हो रही है। माननीय महोदय, यमलोक की पार्टी में ब्रह्मा जी के दांत न होने से उनकी आते सुरक्षित बच गई। कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी है वो वृद्ध थे तो वो भोजन को खा नहीं सकते और नहीं खाने के कारण उनके दांत नहीं थे तो वो खा नहीं सकते, इस वजह से उनकी आंतें हैं वो सुरक्षित बच गई। यानी जो गलत जो भोजन था, जो दूषित भोजन था वो नहीं खा पाए और उनसे उनकी आंतें हैं वो सुरक्षित रह गई। पालनहार विष्णु जी धरती के एक शुद्ध भोजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, अतः सुरक्षित है। अब वो कहना चाहते हैं कि विष्णु जी हैं वो पूरी सृष्टि का पालनहार करते हैं, पूरे सृष्टि का को भोजन देते हैं, पूरी सृष्टि का उद्धार करते हैं। तो वो विष्णु जी पार्टी में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे धरती में एक विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, अतः वे भी सुरक्षित हैं। पार्टी में भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका। एक तरीके का रासायनिक जहर था जो कि खाद्य पदार्थों में डाला हुआ था और इस जहर को सिवाय शंकर, भगवान शंकर के कोई भी नहीं पता पाया। क्यों?
क्योंकि भगवान शंकर ने तो विष को भी पी दिया था, इसी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं। विष पीने से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया था, इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी हर मौसम आम का मजा ले रहे हैं, अब आम आदमी के अस्पताल में भर्ती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वो भी आम को ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, जो आम होता है ना फल, उसको ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। पर आज आम में भी मिलावट आ रही है, लोग इंजेक्शन डाल रहे हैं, रासायनिक पदार्थ छिड़क रहे हैं, इसकी वजह से वे आम अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रह्मा जी, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या हुआ? अब यहाँ पर ब्रह्मा जी सवाल करते हैं कि खाद्य विभाग और औषधि विभाग यानी दवाइयों का जो विभाग है उस पर तुम नजर रख रहे थे, उसका क्या हुआ? नारद जी, जनता जनार्दन जागरूक नहीं है परमपिता, ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। अब यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जनता जनार्दन, जनता है वो जागरूक नहीं है यानी सावधान नहीं है, परमपिता ये खाद्य अधिकारी है वे स्वयं इस मिलावट में मिले हुए हैं। ये जो डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं। अब वो डॉक्टर को नारद जी साथ में लेके आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये जो डॉक्टर मेरे साथ आए वो भी मिलावटी औषधियों में कमीशन लेते हैं, अर्थात औषधियों के अंदर मिलावट करते हैं और बीच में पैसे खा जाते हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट में भी जो भी परिणाम मिला है सब मिलावट को उत्तरदायी मानता है। और वो कहते हैं कि ये हमने जो रिपोर्ट तैयार की है ये हर तरीके से मिलावट को ही उत्तरदायी मान रहा है, जो भोजन है उसमें तरह तरह मिलावट का ही कार्य बताया गया है। यम, अपना सिर पकड़ते हुए, ओह अब समझ में आया हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अब यहाँ पर यमराज जी इस बात को समझ जाते हैं कि आज इतने व्यक्तियों की मृत्यु किस वजह से हो रही है और यमलोक में मृत्यु लोक में मरे हुए व्यक्तियों की संख्या क्यों ज्यादा बढ़ रही है। इसका रीजन उन्हें अपनी पार्टी में भोज्य पदार्थ का आयोजन करने के साथ और उनकी तबीयत बिगड़ी और जब ये रिपोर्ट तैयार होकर उनके सामने आई तब उनको यह बात एकदम स्पष्ट हो गई। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये नाटक? यह नाटक बड़ा ही हास्यप्रद भी है और साथ साथ में हमें यह संदेश भी दे रहे हैं कि मिलावटी पदार्थों से दूर रहूं। आइए देखिए शब्द पिटारा में देखते हैं, कृत्रिम, कृत्रिम का होता है बनावटी, जागरूक सावधान या सजग, पटाक्षेप यानी पर्दा गिरना। आगे देखिए पीछे कुछ शब्द विशेष दिए हुए हैं, इन अभ्यास प्रश्न में देखिए शब्द विशेष दिए हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यम लोक, यम का लोक पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह लोग जहां मृत्यु के बाद जाते हैं, तो मृत्यु का जो देवता होता है वो किसको बोलते हैं? यमराज जी को। तो यमराज जी जिस लोक में वो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? यम लोक। आगे देखिए मृत्यु लोक, मृत्यु लोक किसको कहते हैं? पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ हर जीव की मृत्यु होती है। झिंगा लाला, झिंगा लाला का मतलब होता है मस्त, इसका प्रयोग शिष्ट भाषा में नहीं किया जाता। शिष्ट भाषा में कहने का मतलब है कि जैसे इसको मजे की भाषा में सिर्फ झिंगा लाला शब्द बोला जाता है। सदन, इसका अर्थ घर होता है पर यह सभा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दिग्गज, पौराणिक कथाओं में दिशाओं की रक्षा करने वाले 10 हाथी माने गए हैं पर यह शब्द अब महान लोगों या स्वयं को महान समझने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे देखिए दिग का मतलब बड़ा, बज यानी हाथी, विशाल हाथियों के रूप में बताया गया है, लेकिन अब दिग्गज लोग महान और सभ्य या स्वयं को महान समझने वाले लोगों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा नाटक पूरा हो गया है, अब हम इसका वीडियो के माध्यम से इस नाटक को पढ़ेंगे और इसके सार को अच्छे से समझेंगे। यमलोक में पार्टी। पहला दृश्य, यमराज का दरबार, वे प्रसन्न नजर आ रहे हैं, चित्रगुप्त हिसाब किताब कर रहे हैं। यम है, हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। यमलोक में खूब चहल पहल है, यहाँ नागरिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चित्रगुप्त, ठीक कहा महाराज, जितनी ज्यादा जनता उतने ज्यादा वोट। चित्रगुप्त, आज यमलोक में एक पार्टी का आयोजन किया जाए जिसमें देवता, दैत्य, ऋषि सभी शामिल हो। ठीक कहा महाराज, जनाधार के लिए हर वर्ग और समुदाय के लोग होने ही चाहिए। महाराज, अभी अभी हमारे यमदूत जिस चटोरे मानव को लेकर आए हैं
उसके हाथ में मृत्यु लोक के लजीज व्यंजनों का आकर्षक छपाई वाला एक मीनू कार्ड है। आपकी आज्ञा हो तो इस बार पृथ्वी लोक का उगाया और पकाया गया अन्न ही पार्टी का मुख्य आकर्षण रख दिया जाए। वाह वाह, अति उत्तम विचार है। हमने भी काफी दिनों से हिम क्रीम नहीं खाई। हिम क्रीम नहीं, आइसक्रीम महाराज। खांसते हुए वही वही। दूसरा दृश्य, यमलोक में पार्टी चल रही है। ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र सभी देवता आए हैं। कुंभकर्ण भी नींद से जाकर आ गया है। अन्य दैत्य भी हैं। खाने पीने के लिए मशहूर अगस्त्य ऋषि भी पधार चुके हैं। धुआंधार पार्टी चल रही है। शिव जी के भूत प्रेत डीजे की धुन पर डांस कर रहे हैं। अचानक कोई पेट पकड़ लेता है तो कोई उल्टियां करने लगता है, कोई वॉशरूम की तरफ भागता है। तीसरा दृश्य, चित्रगुप्त बदहवास भागता हुआ यमराज को खबर करता है। महाराज महाराज, गजब हो गया। भारत की बिजली समस्या के ब्लैकआउट से बड़ा क्या गजब हो सकता है चित्रगुप्त? बोलो, कुपोषित मानव की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? महाराज, पार्टी में कई लोगों का पेट खराब हो गया है, उल्टियां हो रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज वॉशरूम की तरफ दौड़ रहे हैं। चौंकते हुए, इसका क्या कारण है चित्रगुप्त? महाराज, बिना उगाया अन्न और बिना श्रम के पकाया जाने वाला खाद्य खाने वाले देवता, जो सदैव अभिनेताओं द्वारा अनुशंसित वाटर फिल्टर का ही पानी पीते हैं, उनके सहित विभिन्न दैत्य और लंबी डकार लेने वाले चिरंजीवी ऋषि, ये सभी मृत्यु लोक के भोजन से बीमार पड़ गए हैं महाराज। क्या कहते हो? सत्य कहता हूँ महाराज, इन सभी ने 20 मिनट में पिज्जा हाजिर करवाया था, अब इतनी ही देर में एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत आ पड़ी है। ये सभी झींगा लाला हो रहे हैं, अब गए कि तब गए, ऊपर से पूरा फास्ट फूड मेन्यू चाट गए हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है चित्रगुप्त? बुरा हाल है महाराज, सबसे कुशल पाचन तंत्र वाले शनि जी की दशा खराब चल रही है। शनि चाट पानी पूरी नूडल्स और पाव भाजी के बड़े शौकीन है, अब औंधे मुंह पड़े हैं। पृथ्वी लोक का कोई भी डॉक्टर सत्यमेव जयते के इशू की वजह से उनका फोन रिसीव नहीं कर रहा है। अगस्त ऋषि तो समुद्र पीकर पचा गए थे, मगर रासायनिक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पचा सके महाराज। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट में तय करते हुए बस आपके पास आते ही होंगे। इससे तो लगता है धरती लोक के खाद्य पदार्थ सिर्फ दैत्य ही पचा सकते हैं। गलत फहमी में ना रहे महाराज, कुंभकर्ण को भी एसिडिटी हो गई है, उसकी नींद भी उड़ गई है। दैत्य लोक से उसके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि नींद की दवाइयां मृत्यु लोक से ही लानी पड़ेगी, लेकिन कुंभकर्ण के लायक डोज उपलब्ध ही नहीं है। सरकारी अस्पताल की दवाइयां ब्लैक में चली गई हैं, एंटी एसिडों में भी मिलावट की खबर है। ऐसा क्या खा लिया उसने? महाराज, प्रतिबंधित खोए की मिठाइयां खा गया, कहता था कुछ मीठा हो जाए, ये भी कहता था हर एक स्वीट जरूरी होता है, आखिरकार हालत खराब। तो क्या धरती पर मिठाइयां भी दूषित हो गई है? वहाँ भगवान का भोग नहीं लगाते क्या? लगाते हैं महाराज। फिर भगवान अब तक कैसे बचे हैं? भोग लगाकर वापस उठा लिया जाता है महाराज, इसलिए भगवान अब तक वहाँ से नहीं उठे हैं। संभवतः इसीलिए धरती लोक भगवान भरोसे चल रहा है। महाराज, पितामह ब्रह्मा जी ने नारद की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है जो मामले की जांच करने जा रही है। सर्कुलर रेडी है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। अवश्य अवश्य। एक बहुत लंबे पेन से सिंहासन पर बैठे हुए दूर से ही हस्ताक्षर करते हैं। चौथा दृश्य, ब्रह्मा जी और यमराज विराजमान हैं। नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं, साथ में एक खाद्य अधिकारी और डॉक्टर भी है। नारद, नारायण नारायण, परम पिता और यमराज की जय हो। रिपोर्ट की कॉपी लेकर पढ़ते हैं। आज इस सदन के प्रश्नकाल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ महाराज। रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत्यु लोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। दूध, घी, खोया, ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जा रहे हैं।
कृत्रिम स्वाद जोरों पर है। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट कर पूरा किया जा रहा है। अनाप शनाप तरीके से जनता जनार्दन मिलावटी खाद्य पदार्थों को मुंह में ठूसे जा रही है। माननीय महोदय, यमलोक की पार्टी में ब्रह्मा जी के दांत ना होने से उनकी आंतें सुरक्षित बच गई। पालनहार विष्णु धरती के एक शुद्ध भोजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, अतः सुरक्षित है। पार्टी में भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका है। देवताओं के राजा इंद्र भी हर मौसम आम का मजा ले रहे हैं। अब आम आदमी के अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रह्मा जी, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या हुआ? जनता जनार्दन जागरूक नहीं है परम पिता। ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। ये जो डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं, वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट में जो भी परिणाम मिला है, सब मिलावट को उत्तरदायी मानता है। यम अपना सिर पकड़ते हुए, ओह अब समझ में आया हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। पटाक्षेप। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इसको पढ़ें, समझें और इसको, इसके प्रश्नोत्तरों को याद करें। धन्यवाद।